तीर से निकलोगे कभी तो मेरे शाम निकलोगे। आओ पधारो मारे आंगने ओ मारा मुरली वाला श्याम, ओ मारा मुरली वाला श्याम। आओ पधारो मारे आंगने रे मारा मुरली वाला श्याम, रे मारा मुरली वाला श्याम। कभी कभी घबराए हम क्या इसके हकदार हैं, इतना मुझको प्यार सांवरे क्या तुझको भी प्यार है। हाँ क्या तुझको भी प्यार है, हाँ क्या तुझको भी प्यार है। कभी कभी घबराए हम क्या इसके हकदार हैं, इतना मुझको प्यार सांवरे क्या तुझको भी प्यार है। आका तुझको भी प्यार है, आका तुझको भी प्यार है। यही सोच के करवट बदल बदल कर सोते हैं, यही सोच कर करवट बदल बदल कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों ने भी बोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरी शाम कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे शाम निकलोगे। जब तेरा दीदार हो बनवारी फिर हो जाए अखियां बेकार हो। हाँ ये अखियां बेकार हो, हाँ ये अखियां बेकार हो। एक दिन ऐसी नींद खुले जब तेरा दीदार हो बनवारी फिर हो जाए अखियां बेकार हो। हाँ ये अखियां बेकार हो, अखियां बेकार हो। बस इस दिन के खातिर ही हम दिन भर रोते हैं, बस इस दिन के खातिर ही हम दिन भर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे श्याम पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे श्याम पिघलोगे। श्याम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, श्याम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों भी सोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे शाम निकलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे शाम निकलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे शाम। जय जय श्री राम। श्याम तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं।
कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे श्याम पिघलोगे। अपनापन हो अंखियों में, होठों पे मुस्कान हो, ऐसे मिलना सांवरे की जन्मों की पहचान। हाँ, जन्मों की पहचान। कभी कभी घबराए हम, कभी कभी घबराए हम, क्या इसके हकदार है, और जितना मुझको प्यार सांवरे, क्या तुझको भी प्यार है। क्या तुझको भी प्यार है। और अंतिम लास्ट कड़ी कितनी सुंदर। एक दिन ऐसी नींद खुले जब तेरा दीदार हो, और बनवारी फिर हो जाए, ये अखियां बेकार हो। बोलो सांवरे सरकार की जय। बहुत सुंदर मेरे प्रभु की प्यारी प्यारी लीला, दिव्य सुंदर नटखट लीला करते हुए भगवान ब्रजवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन की बात, जब भगवान गाय चरा करके अपने श्री धाम वृंदावन घर पर आए, तो जैसे ही भवन में आए तो माँ यशोदा को देखा। रोज तो माँ यशोदा दरवाजे पे आके खड़ी मिलती थी महाराज। कन्हैया आते थे ना तो दरवाजे पे महाराज बाट देखती थी, छोरा ना आयो, बड़ी देर रह गई, कहाँ रह गो, सवरी गैया आ गई, सवरे लाला आ गए, अरे सवन के छोरा आ गए, मेरो छोरा कहाँ रह गो, काऊ गोपी ने रोक लियो, काऊ छोरा ने रोक लियो, कहीं जंगल में तो ना रह गो, बेचारी ऐसी चिंता करती। आज मैया दरवाजे पे ना, कन्हैया मन में सोचवे लगे, भाई मैया कहां चलेगी, ओ मैया ओ मैया। इतने में कहां भयो, बड़ी सुगंध आवे लगी पकवानन की। आप कहोगे इतने पकवान रखे सुगंध तो ना आ रही। भैया आज के पकवान में पहले के पकवान में अंतर हो तो क्यों, पहले के पकवान गाय के देसी घी में बनते। आहा, आज तो महाराज घी से हवन करो तो बांस हो रहा है। आज जो हवन हो में ना तो बाजार को घी लावे, तो पहले जब हवन करते देसी गाय के घी से तो पूरे वातावरण में सुगंध फैल जाती, और आज तो बांस है महाराज यहाँ दुओ हवन को। इसलिए कहते हैं या तो हवन करो मत, और करो तो महाराज गाय के देसी घी से करो भाई, नहीं तो हवन करो ही मत, चिटकियां से कर लो, चिटकी हवन भी से कर लो, बाजार के घी से हवन करने में कोई धर्म वाली बात है। पहले जब गाय के देसी घी में पकवान बनते थे महाराज, ऐसी सुगंध उठती थी, ऐसी सुगंध उठती थी, कब पड़ोसी हो वेने बाने भी तो यहाँ मुंडे में पानी आ जा कर रह रहे, आज तो की बना रहा है। आज भी कोई देसी गाय के घी में बनावे ने तो महाराज आज भी कोई सुगंध। कन्हैया समझ गए जरूर मैया रसोई घर में है। कन्हैया दौड़ करके गए, मैया मैया मैया। जैसे ही अंदर कन्हैया ने प्रवेश कियो, मैया बोली चुप 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 लाला, क्यों माँ, ये बता इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। ए मैया काय के ताई बना रही, मेरे ताई बना रही है, चुप नहीं तो जय जय। अरे कौन जय जय, देख लाला तू मेरी खोपड़ी मत खराब करे, जा तेरे बाबा ते पूछ ले कौन जय जय, रसोई में बोलो ना जावे। मैया क्यों ना बोलो जावे, अरे मेरे बाप, जा तू तेरे बाप ते ही पूछ, क्यों ना बोलो जा, मुझे काम करने दे। कितनों परेशान करे जी छोरा मुझे, ऐसे कह करके मैया तो काम लग गई। कन्हैया बोले वाह, हम तो गैया चरावे गए, पीछे ते जे कौन जय जय हमारे घर में घुस गो भैया, कि आज हमारी मैया हम ते ही ना बात कर रही। बाबा के पास गए, बाबा एक जय जय तो पहले थे जिनकी आप पूजा करते, जिनको मैं खा गयो। मालूम है क्या हुआ, सालेग्राम की पूजा करते थे बाबा,
एक दिन कन्हैया तो बोले लाला जे जे की पूजा है रही है पास में बैठ। कन्हैया पास में बैठ गए तो बाबा सालेग्राम को स्नान करा रहे हैं दूध ते दही ते शहद ते चीनी ते। कन्हैया मन में सोचवे लगे जे 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 तो बड़ो मीठो है गो भैया, रोज शहद खावे चीनी खावे घी खावे जो बड़ो मीठो हो गो। बाबा तो सालेग्राम जी को स्नान करा के तुलसी चढ़ा के भोग लगा के गुलाब जामुन को भोग लगा के ऐसे हाथ जोड़ के बैठे। बाबा आंख बंद करके लाला हाथ तू भी हाथ जोड़ आंख बंद कर। कन्हैया ने हाथ जोड़ लिए आंख बंद कर लिए लेकिन बाबा ने तो आंख बंद रखी कन्हैया ने खोल ली कि भाई जे 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 बड़ो मीठो है चाख करके देखो कितो मीठो है। बाबा तो आंख बंद किए बैठे और कन्हैया ने बा सालेग्राम जी को उठाए और मुंह में धर लियो और सालेग्राम जी की जगह एक गुलाब जामुन धर दियो। बा में चास नहीं नीक रहे भैया। बाबा ने जैसे ही आंख खुली तो वो सिंहासन से चाशनी नीचे आ रही। अरे लाला जी जय जय काई को रो रो है। बोले भूखो मर रो है जा मारे रो रो है। अरे मैं भोग तो लगा रहा हूँ जी काई को भूखो मर रो है। और बाबा ने गौर से देखो तो वहां जय जय है ही ना वहां तो गुलाब जामुन पड़ो है। अरे लाला जय जय कहां चलो गो बोले ना क्योंकि अंदर जय जय बैठे। अरे जय जय कहां चलोगो मोइना पता कहां चलोगो। बाबा ने धीरे से एक खींच के दियो गाल पर जय जय बाहर आए हो। अरे लाला तेने जे काकियो। कन्हैया बोले बाबा एक जिंदो जाग दो जय जय बैठो बात तो दिख ना रही भूख लाग रही है और जा जय जय के चक्कर में वही भूखो मार रो और का करूं मुझे बता। कन्हैया मन में विचार करते हैं एक जय जय के साथ तो लीला मैंने पहले करी अब जो दूसरो जय जय कौन सो आगो। बाबा ते बोले बाबा जे कौन से जे जे की पूजा की मैया तैयारी कर रही है। बाबा बोले लाला परजन्यो भगवान इंद्र परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तय वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। अरे लाला इंद्र देवता पानी बरसाते हैं और जब इंद्र देवता पानी बरसाते हैं तो उससे घास पैदा होती है घास गायें खाती है और जब घास गायें खाती है तो गायें दूध देती है और दूध से धन घर में आता है और इंद्र देवता ना बरसे तो क्या होगा। फिर भैया वो भजन ही गानो पड़ेगो बरस बरस मारा इंदर राजा बरस बरस मारा इंदर राजा तू बरसा मारो काज सरे तू बरसा मारो काज सरे बरस बरस मारा इंदर राजा बरस बरस मारा आगे बढ़ानी है भाई गोवर्धन पूजा का भजन गाना है आज हाँ? नहीं बरसिया फिर वो भजन याद आवे बरस बरस मारा इंद्र राजा तू बरसिया मारो लाला इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने मन में सोचा कि इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया है इंद्र के अभिमान को कैसे चूर करें तो इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने बाबा से कही बाबा चल ये बात तो मैं बाद में बताऊंगा बाबा ठीक है आपने बता दी। दूसरी बात ये बताओ कि ये रसोई घर में बोलनो क्यों ना चाहिए अब ध्यान से सुनियो। कन्हैया पूछ रहे हैं भोजन बनाते समय रसोई घर में माता बहन को बोलना क्यों नहीं चाहिए। बाबा बोले देखो लाला हम जो भोजन बनाते हैं ना
किस लिए बनाते हैं? भगवान को भोग लगाने के लिए। और जब भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाते हैं और रसोई घर में अगर हम बोलेंगे तो कितनी भी सावधानी से बोलो थूक जरूर उछलेगा, और थूक उछलेगा तो भोजन जूठा हो जाएगा भगवान को भोग। इसलिए भैया भागवत में जो हलवाई लगे होते हैं ना उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए इस बात का। एक तो नहा धो करके, दूसरी बात भाई बीड़ी बाड़ी नहीं आ, अगरबत्ती चिलम कमी चासे भाई बा अगरबत्ती कमी करे, और अगरबत्ती करे तो यहाँ हाथ मुंह धो के जा, क्योंकि भागवत के अंदर जो भोजन बनता है वो ठाकुर जी को भोग लगता है, और भोग लगता है तो भाई हाँ। लेकिन आजकल क्या बताएं भाई, भागवत जी का भोग लगाने खातर आवे और मुंडे का मायने पुड़िया फाड़ के, तो ए भी छोड़ दे थे भी छोड़ दो कि तो दियो भागवत सुनो। हाँ जजमान का बेटा हो कि तो दे जजमान का बेटा आशीर्वाद मिलेगा। देखो भाई आज के बाद में छोड़ रहे छोड़ोगे पक्की बात, ऊपर आ जा ऊपर आ जा। वो दूसरा घटा तू भी आ जा भैया तू के देखे। वाह 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 लो भैया आशीर्वाद की माला पर आद्या इन नहीं। हाँ अब देखो आज के बाद में कदे कोई खातो दिख जान था ना वो आज 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 दोनों भाई सागे जोड़े साओ। हाँ अब भाई देखो माला पर आदी है दोनों भाइया ने, आज के बाद में कदे भी मुंडे का मायने पुड़िया उड़िया की नहीं खावेगा। रोटी तो खाजो की मत रोटी में छोड़ दी। देखो भाई नवयु का हमारे साथी हैं, मैं बुढ़ा बड़े ना तो पूछूंगी को नहीं, बुढ़ा बड़े ना के पूछा है मत हो ना ना ये तो बुढ़ा बड़े रहा जान दियो ने की है ने की कौन का। ये दोनों नवयुग भाई हमारे है ना सखा सिरदामा और सुबल, इन दोनों को एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भाई। जाओ बैठो अब देख लो भाई छोड़ दीजिए जेब में हो तो। महाराज जी दो चेला पक्का हो गया है, ऐ छोड़ दे से ना आगे बाद में हिम्मत कर से अगली बार कदे। भैया देख थारा हाथ में हमारी इज्जत है, निलोसल में कोई बढ़ने कौन देगो, ध्यान रख जो माला तोड़ दी तो सब बात है। लोसला तो प्रेम करे खुआवे प्यावे ने मायने एंट्री कौन देगा के बारह बारह जाओ महाराज, दो जना ही तो थे छुड़वाई दोनों में कच्चा खान लग गया। बहुत सुंदर सजनों मुझे विश्वास है दोनों। तो जरा विचार करो भगवान के लिए हम भोग बनाते हैं, और जब भोग बनाते हैं तो उस समय अगर बोलते हैं मुंह में पुड़िया होगी मुंह में गुटका होगा सुपारी होगी फोन लगा होगा तो थूक उछलेगा लाल पीला हरा नीला भोजन पर गिरेगा। जरा विचार करो क्या भगवान भोग लगाएंगे? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में साफ लिखी है, नंद बाबा स्वयं कह रहे हैं लाला इसलिए भोजन बनाते समय बोलना नहीं चाहिए, और भागवत के लिए जो प्रसादी बनाए उन रसोइयों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया हम जो प्रसादी बना रहे हैं ये भगवान के भोग लगेगी, जजमान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो उसके दोष के भागी हम बन जाएंगे। ये हलवाइयों को विशेष सोचना चाहिए भैया, शादी ब्याह वालों को तो छोड़ो, जो ये भागवत के लिए विशेष भोजन बनाते हैं जो भगवान को भोग लगाने के लिए। अब सजनों कन्हैया ने कहा बाबा ये बात तो समझ में आ गई कि भोजन बनाते समय बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा इंद्र वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। क्यों? आपने कहा इंद्र जब वर्षा करता है तो घास होती है, घास गायें चरती हैं, गायें जब चरती हैं तो दूध देती हैं, धन आता है। लेकिन बाबा एक बात बताओ, आप इंद्र की पूजा करो और पड़ोसी ना करे तो क्या पड़ोस में पानी ना बरसेगो? वो लाला तू कहनो का चावे जे बता। 13वां श्लोक 24वें अध्याय का 10वें स्कंद का भगवान बोले बाबा कर्म ना जायते जंतु कर्मन्नेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मन्नेवाभिपद्यते। बाबा सुख और दुख जिंदगी में कर्मों के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, और कर्मों के अनुसार ही
व्यक्ति को भोग प्राप्त होते हैं, योग प्राप्त होते हैं। बाबा कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म से ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। रही बात गाय चरावे की, तो मोकू गिरिराज महाराज कह रहे लाला गैया चरावे मेरी तलेटी में लावे, पूजा काऊ इंद्र की करवावे, या तो कलते यहाँ आइयो मत, या काऊ इंद्र की पूजा करवाइयो मत। तो बाबा मेरो तो जी कहनो है कि पूजा करनी हो तो गोवर्धन महाराज की करो। अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। चलो रे चलो सब गोवर्धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। बोले गोवर्धन महाराज की। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलेटी की ओर चल दिए। कन्हैया ने कहते अरे लाला तेरो गिरिराज खाएगो कहा, बोले जो बनवे वही ले चलो। सब पहुंच गए महाराज गिरिराज की तलेटी में। अब देखो जैसे गिरिराज की तलेटी में पहुंचे, आहा कन्हैया भी साथ गए। सजनों आप तो जानते ही लोग कैसे भोग लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा मुंह में ढूंस देना, थोड़ा थोड़ा मुंह में ध्यान देना। कभी भी मूर्ति के मुंह में भगवान का भोग नहीं लगाया जाता। को हाथ जोड़ो, भगवान अपने आप पा लेते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप मुंह पे लगाओगे चींटियां आएंगी, मंदिर खुला तो कुत्ते भी आ जाएंगे। अब बताओ दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए भावना से भगवान को भोग लगाना चाहिए। जैसे ही महाराज भोग लगाने लगे, कन्हैया ने कहा रुको रुको ये क्या कर रहे हो, गिरिराज हमारा प्रत्यक्ष देवता है, प्रकट होके भोग लगाएगा, सब आंखें बंद करो। आंखें बंद करते ही भगवान एक रूप में पूजवा रहे हैं, एक रूप में पूज रहे हैं। गिरिराज के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। सारे गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं और बड़े आनंद के साथ में गा रहे हैं। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे पापे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे पापे मुकुट विराज रहो। तेरे पापे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन मंडल साज रहो। तेरे पापे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े, तोपे पान चढ़े, तोपे फूल चढ़े। और चढ़े दूध गीदारे गोदारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध गीदारे गोदारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। कानन
कानन कुंडल सोह रहे तेरे 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 कानन कुंडल सोह रहे तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल तेरे आधे मुकुट विराज रहो तेरी झांकी बनी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज राधे रघुराज महाराज की सारे ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं भोग लगा रहे हैं और महाराज प्रसाद पा रहे हैं खूब आनंद महोत्सव हो रहा है। अब इंद्र को आज क्यों लाएंगे इंद्र को तो कल ही लाएंगे आज तो आनंद मनाने दो बेचारों को है ना। कल भगवान के मंगल में विवाह की सुंदर लीला रात्रि में गुरुदेव के सुंदर वाल्मीकि रामायण के ऊपर सुंदर दिव्य प्रवचन हम लोग श्रवण करेंगे अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। हमारे पास कल और परसों दो दिन का समय और रह गया है इसलिए सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार करके और आनंद लेंगे। और सजनों अब